नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल IS Prep पर। मैं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। आज कुछ बातें आपसे करनी है। यूपी पीसीएस परीक्षा के मुख्य फॉर्म को भेजने से पहले क्या क्या काम करना है, जो समस्याएं उसमें आ रही हैं। कई लोगों ने व्हाट्सएप पे पूछा, कई लोगों ने कमेंट करके यूट्यूब पे भी पूछा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या आपको भेजना है। तो जब आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, वहाँ पे जाके डाउनलोड, जो ये फॉर्म करने का ऑप्शन है, फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन, तो वहाँ पर देखिए एक आपका निकलेगा एड्रेस स्लिप। ये एड्रेस स्लिप है, ये देखिए। इस एड्रेस स्लिप को देखिए, यहाँ लिखा है कट हेयर एंड पेस्ट ऑन द A4 साइज एनवेलप। तो A4 साइज एनवेलप जो होता है, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, लोग साइज नहीं जान पा रहे हैं। तो ये है A4 साइज इनवलप, ठीक है ना। इसी के ऊपर इसको ऐसे कट करके, यानी कि जब आप कट कर देंगे तो आपका ये इतना बचेगा, ये जो दिख रहा है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, चिपका देना है, ठीक है ना। तो ये A4 साइज इनवलप है। ये जिधर को बंद होता है, इसके अपोजिट साइड में आप, इधर को ये बंद हो रहा है ना, तो इसके पीछे वाले इधर साइड में आप चिपकाएंगे, तो इसको ऐसे इधर चिपका देंगे। ये हो गया, यानी कि इसमें आपका टू और फ्रॉम दोनों लिखा हुआ है। ये हो गया काम, आपको कुछ लिखना नहीं है। फिर आप जो डाउनलोड करेंगे, उसमें एक आपको मिलेगा पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसीट। तो ये आपको फॉर्म के साथ भेजनी है, इसको रखिए। उसके पहले हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म में क्या भरना है, कैसे भरना है। बिल्कुल सिंपल सा होता है, लेकिन कुछ दिक्कतें पहली बार में लोगों को आती हैं जब पहली बार फॉर्म भरते हैं। आइए बात कर लेते हैं। पहला है रजिस्ट्रेशन नंबर, इसमें फेल है। दूसरा है रोल नंबर, अनुक्रमांक, ये भी फेल है। परीक्षा का नाम, इसमें विज्ञापन संख्या लिखी है, परीक्षा का नाम इसमें आप लिख देंगे, सम्मिलित राज्य अपलिक प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2017। अंग्रेजी में अगर आप लिख देंगे इसको, है ना, तो अपर सबॉर्डिनेट मेन्स एग्जामिनेशन 2017 आप लिख देंगे। और अभ्यर्थी का नाम देखिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखा है, हिंदी में आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर बात आती है पिता के नाम की, पिता का नाम यहाँ पे लिख देंगे। पति का नाम, महिला अभ्यर्थियों हेतु जो महिलाएं हैं वही पति का नाम लिखेंगे। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा जब आप दे रहे थे या दे रही थी, यहाँ पे बात होगा, तो आपकी अगर शादी तब हो चुकी थी जब विज्ञापन आया था, तो अगर उसमें पति का नाम है तो आप पति लिखिएगा, नहीं तो अगर पिता का नाम है तो वही लिखिएगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा। और अगर यहाँ पर आप पति का नाम लिख देती हैं तो बाद में आपसे पूछा जाएगा, तो आप एफिडेविट दे दिए, कोई इतनी बड़ी समस्या इसमें नहीं है। अगर अभी शादी आपकी होने वाली है, ऐसा भी है शादी का सीजन चल रहा है, किसी की होने ही वाली हो, तो वो अभी नहीं भरेंगी। जन्मतिथि इसमें देखिए, तो जन्मतिथि इसमें लिखी हुई है, शब्दों में आपको लिख देनी है। मान लीजिए किसी की 4 अगस्त 1986 है, तो आप वैसे लिख दीजिएगा हिंदी में, या शब्दों में मतलब लिख देना है। डाक का पता, यानी पत्र व्यवहार का पता, तो जो एड्रेस स्लिप पे लिखा हुआ है वही आप लिख सकते हैं, और इसको चेंज भी कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताऊँ कि इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, इस समय जो आपका डाक का पता होगा उसको आप लिख सकते हैं। नहीं तो ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि वही लिखिएगा, क्योंकि जब वेरिफिकेशन होता है, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तो एड्रेस वेरिफिकेशन होगा, तो जितने पते आप डाले होंगे उतने का वेरिफिकेशन होता है, डाक के पते का, और जो आपने परमानेंट डाला है उसका तो होगा ही। अस्थाई पता जो आपका है वही लिखेगा, कॉलम नंबर 9-2 है ये। फिर आएंगे इसमें 10वां पॉइंट है, इस पे आएंगे आप, तो है क्या अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है, यदि है तो ठीक है, ये बॉक्स बना हुआ है, और इस बॉक्स में आप लिख देंगे हाँ, और अगर नहीं है तो आप नहीं लिख देंगे। फिर लिंग है, किस सेक्स क्या है, तो पुरुष या महिला, तो महिला पुरुष लिख देंगे। और देखिए इसमें एक आपको पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है, इसमें कुछ था नहीं, ये भर गया। जो 12 नंबर कॉलम है शैक्षिक अर्हता का, इसमें लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, पहला हाई स्कूल, तो इसमें बोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ से किया, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जहाँ से भी आपने किया उसको फिल कर दिएगा। किस वर्ष आपने उत्तीर्ण किया है, और क्या क्या विषय थे। विषय का कॉलम देखिए बहुत छोटा ये दिए होते हैं, छोटा सा कॉलम यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, लेकिन इसी में आपको सब भरना है, तो छोटा छोटा लिख दीजिएगा। श्रेणी अबलिक प्राप्तांक, तो श्रेणी लिखेंगे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, जो भी होती है, और प्राप्तांक जो भी आपका है। तो जैसे मान लीजिए कि आपका 600 नंबर का टोटल था, उसमें से आपको 350 मिले थे, तो 350 बटे ऐसे लगा के फिर 600 लिख देंगे पीछे। संस्था का नाम, यानी कि किस कॉलेज से, जहाँ से आपने फॉर्म डाला था या आपने पढ़ाई की थी, उसका नाम लिख देंगे। ऐसे इंटरमीडिएट में करेंगे,
अब जहां तीसरे जगह पे जहां पे ग्रेजुएशन की बात आती है, वहां पे लोगों को दिक्कत हो रही है कि कैसे वहां पे क्या भरना है। स्नातक, आप स्नातक का मतलब है कि चाहे आप बीए किए हों, बीएससी किए हों, बीकॉम किए हों, या फिर आपने बीटेक ही क्यों ना किया हो, यही भरा जाएगा। लोगों को कंफ्यूजन है कि तीनों विषयों का स्पष्ट उल्लेख करें, तो जहां पे तीन विषय होते हैं वहां तीन विषय का करेंगे, जहां दो होंगे दो करेंगे, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। तो जो बीटेक वाले लोग प्रश्न पूछ रहे थे कि उनका बीटेक है वो क्या करें, तो यहीं पे भरेंगे। फिर जो विधि स्नातक है वो इसमें भरेगा, जो वाणिज्य स्नातक है वाणिज्य वाले यहाँ पर भर देंगे, यानी जो बीकॉम हम बता रहे थे। ऐसे ही कृषि स्नातक, स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर अगर आपने लिखा है वहाँ पे, यानी कि एमए एमएससी जो पीजी डिग्री होती है उसको यहाँ भर देंगे। गणित या गणितीय सांख्यिकी या कृषि सांख्यिकी में स्नातकोत्तर, वो यहाँ भरेंगे। उद्यान में विज्ञान स्नातक यानी कृषि, बीएससी कृषि या उद्यान कृषि, तो वो लोग जिनका स्पेशल कॉलम दिया हुआ है वो लोग तो यहाँ पे एंट्री जरूर करेंगे स्पेशल कॉलम में, और जिनका नहीं है तो स्नातक में बीटेक भी स्नातक के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि यहाँ बीटेक का अलग से कुछ नहीं दिया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ऐसे फिर रसायन विज्ञान में 11 नंबर कॉलम में है स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ वो नहीं है। 10 नंबर में से वाणिज्य या विधिया एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र के साथ कला में स्नातक, ठीक है ना। तो स्नातक में अगर आपका इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र रहा है, तो यहाँ पे ये होता क्यों है ये भी मैं बता दे रहा हूँ। कुछ पोस्ट होती हैं उसमें एलिजिबिलिटी ये मांगता है कि इस सब्जेक्ट के साथ अगर आपने स्नातक किया है तो उनके लिए, उन पोस्टों के लिए आप अर्हे होंगे, एलिजिबल होंगे, इस कारण से ऐसा दिया जाता है। तो इसमें कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से भर लीजिए। तो अब बीटेक वालों की समस्या दूर हो गई, और जिनके कॉलम में अगर कोई डिग्री है उनके पास कॉलम में दी हुई तो वो उसी कॉलम में भरेंगे, ठीक है ना। फिर अन्य में, अन्य अगर इसके कॉलम के सिवा कोई डिग्री है तो आप भरेंगे। वैसे स्नातक वाले में बीटेक वाले भी भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भी ग्रेजुएशन ही तो है, तो इसमें ठीक है, ये भी हो गया। 13 नंबर कॉलम पे आइए, जहां परीक्षा देना चाहते हैं, तो जो सेंटर आपने लॉक किया है, पहले लॉक कर दिए होंगे तभी ये सब निकला है, वैसे तो निकल नहीं सकता था। तो यहाँ पे इलाहाबाद और लखनऊ दो ही परीक्षा केंद्र हैं, जो आपने उसमें भरा था वही यहाँ पे करिए। वैकल्पिक विषय जो अभ्यर्थी द्वारा लिया जाना है, तो जो आपने लिया जाना है क्या आप ले चुके ही हैं, उसको यहाँ पे भरिएगा, और कोड बिल्कुल सही डालिएगा। मान लीजिए आपने समाज कार्य लिया है, दूसरा आपने गणित लिया है, फिजिक्स लिया है, मतलब भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान, जो भी आपका इतिहास है भूगोल है, उसको जो आपने वहाँ पे भरा है पहले ऑनलाइन वही यहाँ पे भरिएगा, उसका कोड सही सही भरिएगा, ऊपर नीचे मत करिएगा। फिर जो आपने ये पेमेंट स्लिप है, ये देखिए ये पेमेंट स्लिप है, इसका डिटेल यहाँ पे भरना है। परीक्षा शुल्क में जो भी आपने किया है, आपने ऑनलाइन ही किया होगा तो ऑनलाइन बैंक का नाम भरिए, जैसे ये SBI का पेमेंट है। और परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि, जिस तिथि में पेमेंट हुआ है, धनराशि ये 225 रुपये है जनरल में और शायद सबके लिए, जो भी हो जो धनराशि आपने अदा की हो। और ट्रांजेक्शन आई डी, इसमें ट्रांजेक्शन आई डी लिखी होती है, ये बैंक ट्रांजेक्शन आई डी, इसमें ये नोट है यहाँ पे देखिए, ये बोल्डली लिखी हुई है, तो इसको आप भर देंगे। फिर 16 नंबर कॉलम है, क्या आप संघ लोक सेवा आयोग या किसी अन्य आयोग द्वारा डिबार प्रतिवारित किए गए हैं, तो शायद नहीं किए गए हैं, कोई भी नहीं किया जाता है, और जो कर दिया जाएगा वो फॉर्म ही नहीं भर पाएगा, तो यहाँ पे आप लिख देंगे नहीं। अगर आप किए गए हैं कुछ अवधि रही हो तो लिखिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। अभ्यर्थी का दूरभाष नंबर कोड सहित अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर, तो दूरभाष नंबर अब बहुत कम लोगों के घर में, अगर आप पास है तो भरिए। मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख दीजिए कि ईमेल आईडी जरूर लिख दीजिएगा। फिर ये घोषणा आप पढ़ लीजिएगा, और इसमें 1-2 में कुछ भरना नहीं है, इसमें कर्ता कर्ती जो भी हैं, तो अगर आप फीमेल हैं तो कर्ता काट दीजिए, मेल हैं तो कर्ती काट दीजिए, ठीक है। और फिर मैं उत्तर प्रदेश भारत सरकार अब्लिक भारत सरकार का नियमित कर्मचारी नहीं हूँ, है ना, और मैंने नहीं हूँ, और मैंने अपना आवेदन पत्र भेजने की सूचना सक्षम अधिकारी को, अगर हूँ तो आपको नहीं काट देना है, और अगर नहीं हूँ, है ना, तो हूँ काट देना है। अगर आप हैं तो जब आपने NOC, है ना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, है ना, तो वो जब भेजा हो अनापत्ति प्रमाण पत्र, जिस तिथि में आपका स्वीकृत हुआ हो या ये आपने भेजा है, जब उसकी डेट मिल जाती है कि इस तारीख को आपने भेजा या स्वीकृति हुआ, जो भी डेट यहाँ पे डाल दीजिएगा, यानी विधिवत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए प्रस्तुत कर दी है, तो जिस डेट में भेजी है यहाँ पे वो पूछ रहा है, वो डेट यहाँ पे डाल दीजिए।
फिर ये है चौथा कि मैंने इस आवेदन पत्र में किए गए विभिन्न दावे के समर्थन में वांछित समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियों आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दी हैं। उसमें कोई कमी पाए जाने पर आयोग द्वारा मेरे अभ्यर्थन के संबंध में लिया गया निर्णय मुझे मान्य होगा। अब यहाँ पे देखिए संलग्नों की संख्या दिया है कि और संलग्नक क्या होंगे। सबसे पहले जो भी आपका होगा तो उसमें ये रिसीट लगाएंगे, जो आपकी पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसीट है इसको लगा देंगे। उसके नीचे फिर हाई स्कूल इंटरमीडिएट, हाई स्कूल का मार्कशीट, फिर इंटरमीडिएट सॉरी हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, फिर इंटरमीडिएट का मार्कशीट, फिर इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, ऐसे ग्रेजुएशन का मार्कशीट, और अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो, अगर नहीं है डिग्री जिसे बोलते हैं तो उसको मत लगाइए, कोई जब है ही नहीं है तो क्या लगाएंगे। फिर ऐसे पीजी का अगर डिग्री भी है तो लगा दीजिएगा, ऐसे जो भी आपके पास डिग्री है, कहने का मतलब LLB है, जो भी लॉ ग्रेजुएट जो भी हो, तो लॉ से रिलेटेड या एग्रीकल्चर जो भी आपके पास डिग्री उसको लगा, बीएड अगर आपने उसमें दर्शाया है तो बीएड का भी लगा दीजिएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखते हुए आप ये सारा भरेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, जब विधि कृषि स्नातकोत्तर ये जो भी डिग्री आप भरेंगे उसमें शायद ये जो बीएड लोग होंगे, बीएड का पढ़ लीजिएगा आप, वैसे ये अन्य में ही आएगा अगर आपने भरा है तो। सबसे पहले ये रहेगा, फिर डॉक्यूमेंट्स पूरे रहेंगे यानी कि जो मैंने मार्कशीट वो सब बताया, और पूरा लगा के सब ये फॉर्म के ऊपर ही रिसीट लगा दीजिएगा, ये रिसीट सबसे ऊपर, फिर ये फॉर्म रहेगा 3 पेज का, और उसके नीचे है ना सबसे ऊपर ये रिसीट, नीचे फॉर्म, और उसके पीछे ये सारा जो डॉक्यूमेंट्स आपका है लगा के। और यहाँ पे देखिए ये थर्ड पेज में दिनांक दिया है, भर दीजिएगा, स्थान भर दीजिए, और नीचे देखिए लिखा है संलग्नों की संख्या अंकों में और शब्दों में। तो जैसे 1 2 3 4 मान लीजिए आपके पास 10 हो जाते हैं, 10 11 जो भी, तो आप लिख देंगे 10 11, 10 11 जो भी आप लिखना होगा 10, और फिर 10 ऐसे भी लिखेंगे शब्दों में भी, है ना, 10 11 जो भी होगा जोड़ लीजिए, जैसे 2 हाई स्कूल 2 इंटर 4 और 3 और एक अगर डिग्री भी है तो 4 8 और 2 10 11 12 जो भी होंगे देख लीजिएगा। फिर विवरण भी लिखना है, तो देखिए कितना कम जगह यहाँ पे दिया, कभी कभी बड़ा अजीब लगता है ये देखिए। तो इस विवरण में आपको लिख देना है हाई स्कूल सर्टिफिकेट, हाई स्कूल मार्कशीट, ऐसे इंटरमीडिएट की मार्कशीट सर्टिफिकेट जो भी आप लगा रहे, छोटा 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 लिख दीजिएगा। फिर अपने हस्ताक्षर करना मत भूलिएगा, यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाएगा, है ना, तो हस्ताक्षर ना होने पर आवेदन पत्र क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको आपको कर लेना है, तो ये हस्ताक्षर करके और इसको फटाफट पोस्ट कर दीजिए, अब टाइम कम बचा है, ये वीडियो और पहले हमको बनाना चाहिए था लेकिन समय नहीं मिल पाया था इसलिए नहीं बन पाया। हाँ, 2 लिफाफे आपको भेजने हैं, उनको साइज को लेकर भी लोगों में कंफ्यूजन है, देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, ये A4 है, ये A4 है, और उसकी तुलना में ये देखिए कितना छोटा है, 1 और 2। इसको क्या कीजिएगा, इसको भी उसी जो आपको करेंगे ना पूरा सब नत्थी करके चाहिएगा, तो उसी के ऊपर इसको भी नत्थी ऐसे कर दीजिएगा पीछे साइड में, और पूरा इसको ऐसे फोल्ड करके सब पूरा लगा के इसको इनवेलप पे चिपका ही देंगे। और ये देखिए ये 4 साइज में ये लगभग आ जाता है, ऐसे इसको रख देंगे ठीक है, और यहाँ से इसको चिपका देंगे, आ गया ये चिपका के, यहाँ पे आपका एड्रेस स्लिप चिपकी होगी। और इसको एक कंफ्यूजन और लास्ट ये है कि सर रजिस्ट्री करना है कि स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री अब लगभग कहीं होती नहीं, स्पीड पोस्ट होगी, 40 45 जो भी रुपये आपसे लेगा उसको दे के इसको स्पीड पोस्ट कर देना है। अच्छे से फॉर्म भर लीजिए, खूब अच्छे से तैयारी करिए, IAS Prep से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।